What's up guys, welcome to Defense Crack। तो आज हम India Today की एक रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मेंशन किया गया है कि लास्ट 10 इयर्स में इंडियन एयरफोर्स के 798 पायलट्स ने रिजाइन दिया है, जबकि उनमें से 289 पायलट्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स के साथ फिलहाल प्राइवेट एयरलाइन में काम कर रहे हैं। सो देयर इज लॉट टू नो, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट डिफेंस न्यूज। एज यू ऑल नो, इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजिंग इट्स एयरफोर्स विद द लेटेस्ट रफाल जेट्स एंड एडिशनल MiG-29, Sukhoi-30 एंड तेजस। इस बीच पायलट्स का रेजिग्नेशन गवर्नमेंट के लिए चिंता का विषय है। तो चलिए मैं आपको इंडिया टुडे की वो रिपोर्ट दिखाता हूं जिसमें यह मेंशन किया गया है। तो ये है इंडिया टुडे की रिपोर्ट जिसमें ये दावा किया गया है कि लास्ट 10 इयर्स में 798 पायलट्स ने एयरफोर्स से रिजाइन कर दिया एंड 289 ऑफ देम गॉट NOC टू फ्लाई प्राइवेट एयरलाइंस। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ऑन एन एवरेज 80 पायलट्स रिजाइन एवरी ईयर फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। 80 पायलट्स का हर साल रिजाइन करना वाकई चिंताजनक है। इंडिया टुडे द्वारा दायर एक RTI से पायलट्स के रेजिग्नेशन की खबर सामने आई। लेट मी शो यू द कॉपी ऑफ RTI। द इमेज इज नॉट क्लियर, बट हियर इट इज मेंशन्ड द नंबर ऑफ पायलट्स रिजाइन इन लास्ट 10 इयर्स और कितने पायलट्स ने प्राइवेट एयरलाइंस को ज्वाइन किया। इस चार्ट के माध्यम से हम क्लियरली नंबर्स को समझ सकते हैं। सो हियर यू कैन सी द नंबर ऑफ पायलट्स रिजाइनिंग बाय ईयर। 2016 में 100, वही 2017 में 100 से भी ज्यादा पायलट्स ने इंडियन एयरफोर्स से रिजाइन किया। पिछले 10 सालों में सबसे अच्छा ईयर 2015 रहा, जब सिर्फ 35 पायलट्स ने रिजाइन किया, जो कि एवरेज नंबर 80 से भी कम है। यही 2016 और 2017 वर्स्ट ईयर माने गए। वहीं अगर इस चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कितने पायलट्स ने प्राइवेट एयरलाइंस को ज्वाइन किया। यहाँ पे आप 2017 का नंबर देख सकते हैं, जो कि 75 को क्रॉस करता है। यानी कि 2070 में 70 से भी ज्यादा पायलट्स ने इंडियन एयरफोर्स से रिजाइन किया और प्राइवेट एयरलाइंस को ज्वाइन किया। वहीं 2018 में ये नंबर 65 प्लस है। वहीं जब इंडियन एयरफोर्स से पूछा गया कि उनके कितने पायलट्स ने प्राइवेट एयरलाइंस को ज्वाइन किया है, तो उनका जवाब था, इंडियन एयरफोर्स इस मामले में अपने पायलट्स की रिपोर्ट नहीं रखता, क्योंकि पब्लिक अथॉरिटी पायलट्स को NOC प्रोवाइड करता है। द इंडियन एयरफोर्स इज फेसिंग अ क्रिटिकल शॉर्टेज ऑफ पायलट्स, और इस बात का खुलासा खुद गवर्नमेंट ने किया। 2018 में राज्यसभा को बताते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स के पास 3,855 पायलट्स हैं, जबकि पायलट की स्ट्रेंथ 4,851 होनी चाहिए। That means the Air Force was facing a shortage of 376 pilots. अगर हम possible reasons की बात करें तो एक retired officer के according, Indian Air Force के एक pilot की monthly salary लगभग 2 लाख रुपए है, जबकि वहीं private airlines में उसे उसका double amount मिलता है। Most Indian Air Force pilots leave the Air Force after completing 20 years of service, which authorize them to pension. एक और सवाल पूछा गया कि क्या Air Force अपने pilots को रोकने के लिए कोई कदम उठा रही है, जिसके जवाब में Air Force ने बताया कि अभी ऐसे कोई steps नहीं लिए गए हैं। वहीं एक Air Force officer जो कि अभी private airlines में pilot हैं, उन्होंने पूछने पे बताया कि the way of life in Indian Air Force is very good and apart from the salary there are several intangible benefits. लेकिन प्राइवेट एयरलाइंस के पायलट का वर्कलोड बहुत कम होता है। एक कैप्टन के तौर पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक ही है जब तक मैं प्लेन का कैप्टन हूँ। एक्सपर्ट्स हैव सेड दैट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द इंडियन एयरफोर्स टू रिटेन इट्स पायलट्स। यू कैन नॉट अफोर्ड टू लेट ट्रेन पीपल गो। रिटायर्ड एयर मार्शल KK नहवार का मानना है कि इंडियन एयरफोर्स को अपने पायलट्स को रिटेन करना होगा, बिकॉज अ पायलट गेट्स इनटू ऑपरेशनल फ्लाइंग आफ्टर ट्रेनिंग फॉर ऑलमोस्ट 250 टू 300 आवर्स इन डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स। गवर्नमेंट एक पायलट और उसकी ट्रेनिंग पे बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करती है। KK नोवार का मानना है कि बाकी कंट्रीज की एयरफोर्स भी इस इश्यू से स्ट्रगल कर रही है, जिसको सॉल्व करने के लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंज करने की जरूरत है। एक प्राइवेट एयरलाइन के कैप्टन पे सिर्फ उसके पैसेंजर्स की जिम्मेदारी होती है, जबकि एक इंडियन एयरफोर्स का पायलट पूरे देश की जिम्मेदारी उठाता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द इशू एंड गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप्स टू डील विद दिस प्रॉब्लम। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान बॉर्डर पे तेजस को क्यों डिप्लॉय किया है, तो आप स्क्रीन पे दी हुई वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।